हेलो एवरीवन, नमस्ते। शिवानी दीदी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपका बहुत बड़ा क्या कहते हैं फ़ैन हूँ। आपके बहुत सारे मैंने एपिसोड्स देखे हैं एट माय वर्स्ट टाइम्स, एंड मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बिकॉज यू हेल्प मी अलॉट एंड यू हेल्प सो मैनी ऑफ अस, सो थैंक यू फॉर दैट। मेरी लाइफ में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है वेयर आई हैव फेल्ट स्टक, फेल्ट स्ट्रगल, फेल्ट कन्फ्यूजन, पेन, मैंने अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछा है कि हाउ डू आई मेक माई स्टोरी द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। ऐसा नहीं है कि आई थिंक माई स्टोरी विल बी द ग्रेटेस्ट स्टोरी एक्चुअली, बट ये मेरे लिए मैं पूछता हूँ कि मेरा जो मिशन है, माय मिशन इज़ टू लीड अ गुड लाइफ। और लाइफ ऐसी चीज़ है दैट विल ऑलवेज ब्रिंग यू थिंग्स टू चैलेंज दैट, एंड उसी में ग्रोथ है। यू हैव टू एक्सेप्ट के यू हैव टू लुक एट दोज चैलेंजेस विथ अ पॉजिटिविटी, क्योंकि उन चैलेंजेस के थ्रू ही यू गेट ग्रोथ। सो मैं अपने आप को पूछता हूँ कि व्हाट आई मस्ट डू राइट नाउ। मैं जहाँ पर भी हूँ, जो भी चैप्टर से मैं गुजर रहा हूँ, हाउ डू आई मेक, व्हाट डू आई हैव टू डू, व्हाट वुड somebody हु इज अ चैम्पियन, somebody हु इज अ फाइटर, somebody हु इज अ स्ट्रांग पर्सन, व्हाट वुड दैट पर्सन डू, एंड देन आई डू इट। हाउ डू आई मेक माई स्टोरी अ ग्रेट स्टोरी। और हर एक ग्रेट स्टोरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आर द चैप्टर्स वेयर यू आर फीलिंग डाउन, यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग ब्रोकन, यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड, और यू डोंट नो वॉट टू डू। एंड उसी सिचुएशन से यू स्टार्ट टू लर्न हाउ टू सर्च। उस सिचुएशन में योर माइंड हंट्स, सर्चेस फॉर आंसर्स, एंड दैट सर्च टेक्स यू ऑन द जर्नी। उस जर्नी में यू गेट टू नो अदर पीपल्स माइंड्स, अदर पीपल्स विजडम, और उस विजडम के थ्रू यू नो समटाइम्स यू कैन इवन स्टार्ट टू लाफ अबाउट थिंग्स एंड एक्सेप्ट दैट लाइफ इज नाइट एंड डे। देर इज डे, देर इज नाइट, देर इज टू बी एबल टू एन्जॉय द डे यू हैव टू हैव अ गुड नाइट्स रेस्ट। सो देर इज वेकिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम, डार्क, ब्राइट, एवरीथिंग इज इन कॉन्ट्रास्ट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू हैव फेथ के दुनिया में एक कोई इक्वेशन है, इक्वेशन है कि इफ यू कीप गोइंग, इफ यू प्रिटेंड ऑल्सो टू बी अ चैम्पियन, यू विल, इफ यू प्रिटेंड वेल इनफ यू विल एंड अप बिकमिंग अ चैम्पियन। डू द थिंग्स दैट अ चैम्पियन डज एंड यू विल टर्न आउट टू बिकम अ चैम्पियन। And there are many things that one can do to maintain a certain balance in life. Physical cheeze hain, jaise ki there's yoga, there's meditation. I have done yoga, I do meditation sometimes very regularly, sometimes not so regular, but I do it. At least I have the experience of it. At least I understand it. I have gone to the place where I felt amazing because of it. तो इन सब चीज़ों का एक एड्रेस होता है। यू हैव टू, यू शुड नो द एड्रेस ऑफ दीज थिंग्स। वंस गो एक्सपीरियंस इट वंस एंड हैव द एक्सपीरियंस, देन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू डू इट अगेन और नॉट, बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस इट वंस। सो आई एम अ वेरी क्यूरियस सोल। मेरा जो सोल है, मैं बहुत ही क्यूरियस में रहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू ग्रो। तो उस क्यूरियोसिटी के वजह से आई हैव एंडेड अप लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हेल्प्ड मी बिकॉज ऑफ दैट। आई हैव समटाइम्स फेल्ट दैट लाइफ इज़ वेरी अनफेयर। आई जब मैं स्कूल में था तो मेरा जो स्टैमर है वो इतना ख़राब था कि आई कुड नॉट इवन स्पीक। उसके वजह से I never had any friends, never had any girlfriends. I was very, very shy. I used to come back from school se aake main
मैं रोता था। बहुत कठिन था। माई स्कूल डेज वर वेरी 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 पेनफुल। उसके ऊपर डॉक्टरों ने कहा कि आई कांट बिकम एन एक्टर बिकॉज मेरी जो पीठ है, द स्पाइन इज आई हैड स्कोलियोसिस। तो डॉक्टरों ने कहा कि यू कांट डांस, यू कैन नॉट जंप। तो आई वॉज सो ब्रोकन कि मैं महीनों के लिए मैं उठता था सुबह और आई यूज़ टू थिंक के इट इज़ अ ड्रीम, लाइक अ लूसिड ड्रीम वे यू फील एज इफ इट इज़ ट्रू। एंड आई यूज़ टू वेक अप एंड आई यूज़ टू फील एज इफ इट इज़ अ ड्रीम एंड इट वॉज सो रियल। एंड देन आई यूज़ टू रियलाइज के ओ माई गॉड इट इज़ एक्चुअली रियल। तो इतना हार्ड ब्रेकिंग होता था फॉर मी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड टू रीलिव एज इफ आई एम फाइंडिंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन माई लाइफ आई कैन नॉट बिकम एन एक्टर, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम I'm disabled. So it was a very traumatizing I was very young. I was 21 years old. And लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार थैंक यू, आई थैंक गॉड के थैंक यू फॉर गिविंग मी द प्रॉब्लम वेयर आई कुड लर्न हाउ टू बी स्ट्रांग, आई कुड लर्न वॉट इज विल पावर, आई कुड लर्न वॉट इज persistence and perseverance, discipline, ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं that is come because of that problem. अगर वो problem नहीं होता, if I did not have a broken spine or a speech impediment, तो मैं ये सब चीज़ें मैं सीखता ही नहीं। तो हर चीज़ का एक एक sense है, जैसे कि मैंने कहा कि for the day to be there you have to have the night, और यू वॉन्ट टू हैव द ब्राइटेस्ट डे यू हैव टू मे बी हैव द डार्केस्ट नाइट। तो एवरी थिंग मेक सेंस। इसलिए आज जब वेन आई सी अ सिचुएशन जहाँ पर मेरे माइंड में अगर कन्फ्यूजन है या डर है मुझ में या किसी चीज़ की अनसर्टेंटी है, स्ट्रगल है, पेन है, मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार इसके थ्रू अब मैं क्या सीखूंगा, आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, वॉट इज़ लाइफ ट्राइंग टू टीच मी नाउ। तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है क्यूरियोसिटी। मैं उसके वजह से, मेरे प्रॉब्लम्स के वजह से मैं आज एक बहुत ही क्यूरियस सोल हो गया हूँ, वेर जब मुझे प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो इट बिकम लाइक अ गेम टू मी। पेन सच्चाई है, सैडनेस जो है, जो हर्ट है, जो पेन जो आपके दिल में है, वो सब एक जगह है and they are very very real, you really feel that, but uske saath saath I can also hold this other thought ke yaar ye pain to hai lekin yaar main kuch seekh paunga, dekhte hain main is baar main kya seekhunga, how it's going to shape my character, aur main badhta hu fir uske us par I walk towards it with a smile, something makes me smile, aur har baar main seekhta hu kuch, हर बार आई कम आउट स्ट्रॉन्गर। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट एक एटीट्यूड है। मेरे मेरे मेरी मेरे मेरे रूम में एक बहुत बड़ा एक बोर्ड है जिस पर इट्स रिटन दैट द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डील और एन एडवेंचर इज योर एटीट्यूड। उसी चीज़ को, जो चीज़ आपको डरा रही है, जो जिस चीज़ से आप तड़प रहे हो या you're struggling and you don't like, it is like a dilemma, लेकिन अगर आपने अपना perspective, अपना attitude बदला, so it can become into an adventure, it can become fun, क्योंकि eventually होना क्या है, you are going to die someday, I'm saying that in a positive way, all this is not going to matter, have fun, enjoy yourself, enjoy the adventure, enjoy the struggle, enjoy the pain, enjoy that yaar itna sab dekh liya aur phir bhi ek aur cheez ab aa gayi hai, look at the comedy of it ke you can hit rock bottom and then life will make you go even worse so it is funny, so I mean there are a lot of these things that you can use. आप कॉमेडी यूज कर सकते हो, आप एडवेंचर यूज कर सकते हो, एटीट्यूड यूज कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट कीप द बैलेंस आई थिंक। तो मेरे ख्याल से
of course mental health is of primary importance. और मेरी लाइफ में आई हैव लर्नड टू रीच आउट, आई हैव लर्नड टू बी वल्नरेबल, आई हैव लर्नड और आई मीन इनवेरियबली ऐसा अगर टाइम मेरे लाइफ में आया है या आएगा, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो सर्कमस्टेंसेज हैं, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन बार बार आपकी लाइफ में आएंगी और यू हैव टू डील विद देम एवरी सिंगल टाइम. इन माई लाइफ एवरी सिंगल टाइम दैट आई हैव फेल्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, अगर मेरे माइंड में कन्फ्यूजन होता है या पेन है या स्ट्रगल है, और मैं अपने खुद खुद अपने आप बैठ के, इफ़ आई कांट सॉल्व माई माई प्रॉब्लम, इफ़ आई आई एम सर्चिंग फॉर द आंसर्स, आई डोंट गेट द आंसर्स, आई हैव ऑलवेज 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 रीच्ड आउट. आई डोंट नो इफ आई वॉज टॉट दिस और नॉट, बट आई हैव रीच्ड आउट. आई हैव रीच्ड आउट मतलब रीच्ड आउट टू एनी बडी एंड एवरीबडी क्वाइट शेमलेसली. आई हैव रीच्ड आउट, आई हैव रीच्ड आउट एंड आई हैव सेड दैट आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई एम फीलिंग वीक, आई डोंट नो वॉट टू डू. एंड उसमें रिस्क होता है कि यू विल बी जज्ड, यू विल बी जज्ड के यार इतना वीक क्यों है तू, लेकिन एक दो तीन लोग ऐसे ऐसा सोच सोच लें भी तो क्या है, डजेंट मीन दैट यू आर वीक. आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रांग थिंग्स इन माई लाइफ, आई नो दैट आई एम स्ट्रांग, बट आई कैन बी गोइंग थ्रू, आई कैन बी वेरी स्ट्रांग एंड आई कैन बी गोइंग थ्रू अ वीक मोमेंट परहैप्स. So I've reached out. I've reached out bedhadak. I've reached out, and in reaching out, I have found answers. I have never been able to solve it just अपने आप बैठ के अपने mind में recurring thoughts को solve करने की अगर मैंने कोशिश की है तो I have invariably, mostly I have failed. Because sometimes you need to reach out to another mind to get objectivity. So I think the main thing about taking care of your mental health is to be able to speak. क्योंकि अगर आपके mind में कोई problem है तो your mind can't solve it itself because it is the problem. So you have to reach out to somebody else. So I think that is very important. I have done it and I will do it. It is not something that I am confident that I will not need to now because अब तो मैंने सब सीख लिया, ऐसा नहीं होता है. You have to, you, life will give you some problem or the other where you, no matter how much you know, you will not know. You will not know what to do. And that is the time where you have to allow yourself, ke yaar, ye cheez meri samajh ke bahar hai, I have to reach out. And you reach out to friends, reach out to your family. To ye sab jo cheeze hain that we have to accept ke ऐसा होने वाला है और ऐसा सबके साथ होगा. तो वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, वी आर ऑल वन. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, मज़ा आया मुझे. आई होप आई हैव बीन एबल टू आर्टिकुलेट जो मेरे थॉट्स हैं, लेकिन आई फेल गुड. आई होप आई हैव बीन ऑफ सम सर्विस. वैसे जब शिवानी दीदी ने मुझसे कहा कि आई मस्ट डू दिस, आई वॉज नॉट इन अ वेरी bright frame of mind, and on her advice she told me it will make me feel much better. क्योंकि मैं भी ये जानता हूँ कि हमारी जो जिंदगी है, जो भी हम करते हैं लाइफ में, we have to do it with a sense of service, and that can become our biggest purpose. और service एक ऐसी चीज़ है that gives meaning to our lives, the most important one. So this is what I also believe, and I must say that I am feeling very, very good right now, having done this. Thank you very much, and namaste. Thank you. Bye bye. The song that I'm going to sing for you is specially composed.